हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मोहम्मद सुहेल। आई होप आप सभी लोग हेल्दी है और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं ब्लड वेसल्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहता हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड वेसल्स और व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन बिहाइंड ब्लड वेसल्स? सो बेसिकली ब्लड वेसल्स आर द कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी। दिस वेसल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड सेल्स, न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू द टिश्यू ऑफ द बॉडी। They also take waste and carbon dioxide away from the tissues. Basically, circulatory system के दो component होते हैं, heart और blood vessels. Heart हम अपनी पहली video में cover कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो video नहीं देखा है तो उसका link मैं आपको description में दे दूँगा, वहाँ से आप उसे checkout कर लेना। So, blood vessels एक तरह का network होता है, means एक तरह का trap होता है जो हमारी पूरी body में फैला हुआ है। So, ये blood vessels हमारी पूरी body में होती है और ये सर्कुलेटरी सिस्टम का कंपोनेंट है दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी। दीज वेसल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड सेल्स लाइक RBC दैट इज रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड ब्लड प्लेटलेट्स, एंड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन टू द टिश्यू ऑफ द बॉडी। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, दे आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स दैट इज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। देखिए इस डायग्राम में जो ब्लड वेसल्स हार्ट से निकलती है उनको बोलते हैं आर्टरीज, दैट इज़ दे गो अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज अवे फ्रॉम द हार्ट जाती है और जो वेन्स होती है वो टूवर्ड्स द हार्ट जाती है, उनको हम बोलते हैं वेन्स। सो फर्स्ट है आर्टरीज जो कि हार्ट से निकल रही है। आर्टरीज अगेन स्मॉलर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है जिनको बोलते हैं आर्टेरियल्स। आर्टेरियल्स देन कैपिलरीज में जाकर मिलती है, कैपिलरीज और फर्दर स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड होती है। कैपिलरीज की बहुत टाइनी ब्रांचेस होती है जो कि टिश्यूज तक जाती है, टिश्यूज तक न्यूट्रिएंट लेकर जाती है, एंड देन वही कैपिलरीज वेन्यूल्स जो कि स्मॉलर वेन्स है उनमें जाकर मिलती है। वेन्यूल्स देन वेन्स में जाकर मिलती है और वेन्स वापस हार्ट में जाती है। तो चलिए हम इन टाइप्स को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। आर्टरीज, आर्टरीज का जो डायमीटर है वो 4 मिलीमीटर होता है, एंड आर्टेरियल्स, आर्टेरियल्स का डायमीटर 10 माइक्रोमीटर होता है। सो आर्टरीज क्योंकि बड़ी है डायमीटर में, एंड देन फर्दर इनकी ब्रांचेस आर्टेरियल्स जिनका डायमीटर कम होता है दैट इज 10 माइक्रोमीटर। सो आर्टरीज का क्या फंक्शन होता है वो देख लेते हैं। आर्टरीज ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ये हार्ट से निकलती है तो इसमें ब्लड ट्रांसपोर्ट कैसा होगा? अवे फ्रॉम द हार्ट, थिक मस्क्यूलर वॉल, इसकी जो वॉल्स होती है वो बहुत थिक होती है। देन लॉट्स ऑफ इलास्टिक टिश्यू इन वॉल्स, इसकी जो वॉल्स है उसमें बहुत ज़्यादा इलास्टिक टिश्यू होता है। देन ब्लड फ्लो रैपिड, इसमें ब्लड का जो फ्लो होता है वो बहुत रैपिड होता है। देन ब्लड फ्लो इन पल्सेस एंड नो वॉल्व्स, इसमें वॉल्व्स नहीं होती। नेक्स्ट है वॉल्स ऑफ द आर्टरीज। अब आर्टरीज किन किन वॉल्स से बनी है, कितनी लेयर्स ऑफ टिश्यू से बनी है? सो इनकी जो वॉल्स है वो 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू से बनी है। तो सबसे आउटर है वो है ट्यूनिका एडवेंटिशिया या फिर ट्यूनिका एक्सटर्ना, तो जो आउटर लेयर है वो फाइब्रस टिश्यू से बनी है। देन है मिडिल लेयर जिसका नाम है ट्यूनिका मीडिया, दैट इज मिडिल लेयर, ये स्मूथ मसल और इलास्टिक टिश्यू से बनी है। और सबसे इनर है ट्यूनिका इंटीमा जो कि स्क्वैमस एपिथेलियम सेल से बनी है और इसको बोलते हैं एंडोथेलियम, सबसे इनर लेयर। सो दीज आर द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज, दैट इज ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका इंटीमा एंड ट्यूनिका मीडिया। सो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कैपिलरीज। तो इनका जो डायमीटर होता है वो 5 to 8 माइक्रोमीटर तक होता है। सो आर्टेरियल्स ब्रेकअप इनटू माइन्यूट वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। सो जो आर्टेरियल्स है वो आगे फर्दर ब्रांचेस में कन्वर्ट होती है, ब्रेकअप होती है, और ये ब्रांचेस बहुत माइन्यूट होती है, बहुत स्मॉल होती है, इनको बोलते हैं कैपिलरीज। जो कैपिलरीज है वो टिश्यूज तक जाती है, टिश्यूज में न्यूट्रिएंट को लेकर जाती है। सो कैपिलरीज लिंक द स्मॉलेस्ट आर्टेरियल्स टू द स्मॉलेस्ट वेन्यूल्स।
सो टिश्यूज तक जाती है, और टिश्यूज से जब निकलती है सो ये वेन्यूल्स जो वेन्स की स्मॉल ब्रांचेस है उनके साथ लिंक करती है। सो ये कैपिलरीज लिंक बनाती है आर्टेरियल्स और वेन्यूल्स के बीच में। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द टिश्यू एंड ब्लड अक्कर थ्रू दिस वेसल्स। सो जो कैपिलरीज है वो टिश्यूज तक जाती है, सो जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है वो कैपिलरीज और टिश्यू के बीच में ही होता है। नेक्स्ट है वेन्स। वेन्स का जो डायमीटर है 5 मिलीमीटर होता है, एंड वेन्यूल्स जो कि स्मॉल ब्रांचेस है वेन्स की उसका जो डायमीटर है वो 20 माइक्रोमीटर होता है, और इसको वेनस सिस्टम भी बोलते हैं। फ्रॉम द कैपिलरीज वेनस सिस्टम स्टार्ट एंड इट इंक्लूड्स। अब सबसे पहले एओर्टा से आर्टरीज निकली, आर्टरीज से आर्टेरियोल्स निकली, आर्टेरियोल से कैपिलरीज, कैपिलरीज किस में मिलती है वेन्यूल्स में, और वेन्यूल्स वेन्स में, एंड देन वो वेन्स इन्फेरियर सुपेरियर वेना केवा से हार्ट में जाकर मिलती है। सो फ्रॉम द कैपिलरीज वेनस सिस्टम स्टार्ट्स। सो वेन्यूल्स वेन्स एंड वेना केवा जो जिसका डायमीटर है 30 माइक्रोमीटर, एंड कैपिलरीज एंड्स इन वेन्यूल्स। वेन्स थिनर्स देन आर्टरीज रिटर्न ब्लड टू द हार्ट एट लो प्रेशर। हमने पढ़ा था जो आर्टरीज है उसमें ब्लड हाई प्रेशर में आता है, जबकि जो वेन्स है उसमें ब्लड लो प्रेशर में हार्ट तक जाता है। सो जो वेन्स है वो थिन होती है, इनकी जो वॉल्स है वो भी थिन होती है आर्टरीज से। सेम लेयर्स ऑफ टिश्यू एज आर्टरीज बट हैज लेस मसल एंड इलास्टिक टिश्यू देन आर्टरीज। अब इसमें आर्टरीज से कम इलास्टिक टिश्यू होता है, बाकी लेयर्स जो है सेम रहती है टिश्यू की, लेकिन इलास्टिक टिश्यू कम होता है। इसका रीज़न यही है क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर लो होगा। सो जो वेन्स हैं वो लो प्रेशर पे ब्लड ले जाती है हार्ट तक, इसलिए इनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती इलास्टिक टिश्यू की। सम वेन्स हैव वाल्व्स दैट इंश्योर फ्लो ऑफ ब्लड टूवर्ड द हार्ट प्रिवेंट द बैक फ्लो। सो अब क्योंकि ये वेन्स है वो हार्ट तक जाती है, सो हो सकता है कि ग्रेविटी की वजह से जो वेन्स में ब्लड है वो रिटर्न हो सकता है, बैक फ्लो हो सकता है। इसलिए वेन्स में क्या होता है वॉल्व्स होते हैं। वॉल्व्स एक तरह के डोर्स होते हैं जो ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं और ब्लड का कांस्टेंट फ्लो हार्ट तक बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है वेन्स डिस्टेंसिबल आर कॉल्ड कैपेसिटेंस वेसल्स, कैपेसिटी टू होल्ड लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ बॉडी ब्लड। अब कैपेसिटेंस वेसल्स क्या होते हैं? कैपेसिटेंस वेसल्स वेन्स को बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये लार्ज प्रोपोर्शन में ज़्यादा अमाउंट में जो बॉडी का ब्लड है वो होल्ड करके रखते हैं। सो इसीलिए इनकी इतनी कैपेसिटी है कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड को होल्ड कर सके, इसलिए इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस वेसल्स। सो आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। इफ़ यू अंडरस्टैंड देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।